हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज मैड में हम इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। सो क्वेश्चन है, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस फेस वेरियस हर्डल्स दैट नीड टू बी डेल्ट विद फॉर अ स्मूथ रिलेशनशिप इन द फ्यूचर, डिस्कस द चैलेंजेस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है वो क्या है कि इस स्टेटमेंट की लाइट में कि जो हमारे रिलेशंस में वेरियस हर्डल्स आ रहे हैं, हमें चैलेंजेस बताने हैं ओवरऑल क्या क्या आ रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो जो इसका प्रोस्पेक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा कि इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें बताएंगे थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड एंड या उसको जो प्रेजेंट जो सिनेरियो है उससे लिंक करने की ट्राई करेंगे। अगर कोई रीसेंट स्टेटमेंट्स हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद चैलेंजेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड टू एंड द क्वेश्चन हम थोड़ी कॉपरेशन या कन्वर्जेंस भी दिखाएंगे कि सिर्फ चैलेंजेस नहीं है दोनों के रिलेशन में, कुछ कॉपरेशन के पॉइंट्स भी हैं या कोई कॉमन ग्राउंड भी है जो दोनों कंट्रीज मीट करेंगी। सो स्टार्टिंग विद द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश आर इम्पॉर्टेंट सिंस द दे हैव अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक बेसिस। तो अगर आप इसको लिंक करना चाहें प्री इंडिपेंडेंस से कि किस तरीके से एक ही कंट्री थी एंड इंटरकनेक्शन कितना था एंड मोर ओवर डिपेंडेंट जो डिपेंडेंस थी नॉर्थ ईस्ट की डिपेंडेंस कितनी थी, अगर बांग्लादेश की टेरिटरी अब हमसे बाहर हो गई है तो बांग्लादेश जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा वो कितना ज़्यादा लैक ऑफ कनेक्टिविटी फील कर रहा है, ठीक है जी। एंड जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं रिलेशनशिप के इसी कारण से जो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हैं क्योंकि एक चंक ऑफ टेरिटरी है जो प्रेजेंटली इंडियन टेरिटरी में नहीं है एंड उसकी कमी हमें महसूस हो रही है, ठीक है जी। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनफैक्ट जो करंट फेज़ है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का उसको गोल्डन एरा बताया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप का। एंड जो कनेक्टिविटी है इंक्रीज़ हो चुकी है पहले के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम रेल लिंक्स वगैरह भी ड्रॉ कर रहे हैं एंड मोर ओवर रोड की भी कनेक्टिविटी है, जैसे कॉरिडोर्स हैं BBIN कॉरिडोर, BCIM की बात चल रही है। सो दैट इज़ वाई कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करने के वेरियस जो एवेन्यूज़ हैं उनको तलाशा जा रहा है। एंड एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्सटेंड की है इंडिया ने ऑफ अराउंड $4.5 बिलियन। एंड जो मैरीटाइम डिस्प्यूट है यूएन क्लॉज ने जो अपनी वर्डिक्ट दी थी इंडिया ने इसको माना एंड इनफैक्ट जो मेजर हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे वो तो एटलीस्ट वी हैव रिजॉल्व देम, जैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हो गया था तो वो भी जो है रिजॉल्व हो चुका है। तो इसके बाद हमें ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ी थी लेकिन इन सब ने क्या किया है जो रिलेशनशिप है उसको और भी ज़्यादा बूस्ट किया है। लेकिन इसके साथ ही जो कुछ चैलेंजेस हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो अभी भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फरक्का जो बराज इशू है, तो जो गैंजेस रिवर है हमारा गंगा रिवर है, गैंजेस रिवर वाटर ट्रीटी हुई जिसके अकॉर्डिंग जो वाटर शेयरिंग है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो डिसाइड की गई। लेकिन अब क्योंकि जो बांग्लादेश है वो लोअर आइपेरियन स्टेट है एंड जो भी कुछ अपर आइपेरियन स्टेट उन वाटर्स को कर्ब करने के लिए करेगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है लोअर जो आइपेरियन स्टेट है उनके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फरक्का बराज था जब वो बनाया गया, फरक्का इज़ अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पर जो बैराज बनाया गया तो उसकी वजह से क्या हो गया जो डाउनस्ट्रीम फ्लो था वाटर का वो रिड्यूस हो गया। तो इसका जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है वो बांग्लादेश को भुगतने पड़े कि उनकी जो आई शुड से वाटर की डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, लेकिन जो अवेलेबिलिटी वाटर की वो पहले से कम हो गई क्योंकि ये बैराज बन गया, इसने काफ़ी सारा वाटर स्टोर कर लिया। मोरओवर जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं या लॉस है तो वो सब तो चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन इन बैराजेस को बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि फ्लडिंग वगैरह रुक जाती है। तो दैट इज़ अनदर इशू, विल फोकस इट ऑन सम अदर डे। सो इंडिया ने जब कंस्ट्रक्ट किया फरक्का बराज तो बायलेटरल रिलेशंस में जो एक सारिंग आ गई कंट्री दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक दरार सी आ गई एंड 1975 में ये बैराज कंस्ट्रक्ट हुआ था ऑन द टू डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम गैंजेस रिवर टू भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ से वाटर डाइवर्ट करके जो हमारा कोलकाता पोर्ट है उस तरफ ले जाया जा रहा था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ये प्रॉब्लम आती है, सिल्टिंग की प्रॉब्लम आती है एंड मोरओवर जो पानी का फ्लो है वहाँ पर कम है, तो इसी वजह से वहाँ पर उस पोर्ट को कोलकाता पोर्ट को एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर देने के लिए वी हैड टू डाइवर्ट दिस वाटर्स, ओके जी। सो बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश फेस इंक्रीज्ड प्रेशर ड्यू टू राइजिंग वाटर डिमांड्स, लेकिन अब क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन बढ़ गई है तो जो वाटर की डिमांड है वो तो बढ़ती ही जा रही है। दैट इज़ वाई फरक्का बराज का इशू जो है काफ़ी मेजर इशू है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद एक तिपाईमुख डैम है, सो ये मणिपुर में बराक रिवर के ऊपर ये डैम बनाया गया था एंड हुआ क्या कि इसने भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया हमारी रिलेशनशिप को। अगेन वही सेम इशू जैसे फरक्का बराज के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि रिड्यूस वाटर फ्लो या मोरओवर जो आई शुड से एक
सैलेट रीजन के फार्मर्स हैं उनके लिए भी ये क्राइसिस पॉइंट ऑफ टाइम चीज़ ही हो गई कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी थी, जो पहले वाटर की अवेलेबिलिटी थी वो रिड्यूस हो गई है. तो इसलिए जो इंडिया बांग्लादेश में ये एक अग्रीमेंट हुआ है कि जो बांग्लादेश की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही इंडिया में जो वेरियस डैम्स हैं या बैराजेस हैं वो बनाए जाएंगे. लेकिन अब इसके ऊपर ये कंटेंशियस इशू चल रहा है जो तिपाईमुख डैम है कि इसने इम्पैक्ट किया है बांग्लादेश की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको, एंड बांग्लादेश हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस थिंग. तो अब इसकी जो डेवलपमेंट है वो कहीं बीच में लटकी हुई है. तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं मैप पर जाकर कि कहाँ पर ये डैम लोकेटेड है, एंड इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग. इसके बाद तीस्ता जो शेयरिंग है, तो तीस्ता रिवर अगेन सिक्किम से ओरिजिनेट होता है हिमालय से, एंड देन इट जॉइंस ब्रह्मपुत्र इन असम, एंड उसके बाद जो जमुना रिवर है इन बांग्लादेश, दोनों को ज्वाइन करता है फाइनली आगे मिलकर. तो इसकी वाटर शेयरिंग के ऊपर भी जैसे जो वेस्ट बंगाल है उनकी कुछ डिमांड्स हैं, एंड मोर ओवर जो बांग्लादेश है उनको फिर जो वाटर शेयरिंग में दोनों कंट्रीज़ के बीच में इसी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से इसके हम अपर आईपेरियन है, हमारे राइट्स हैं वाटर के, एंड मोर ओवर हमारे जो फार्मर्स हैं उनको पानी चाहिए. तो जैसे अगर आपने पहले तीन जो हमारे चैलेंजेस देखे हों वो वाटर से ही रिलेटेड हैं, तो इसीलिए जो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में वाटर के इश्यूज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अराउंड 553 रिवर्स दे क्रॉस फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश. एंड जैसे आपको पता ही है उधर की जो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की थोड़ी देखें या ईस्टर्न इंडिया की हम थोड़ी ज्योग्राफी देखें तो वहाँ पर जो टेरेन है वो हिमालय टेरेन है, माउंटेनियस टेरेन है, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिवर्स निकल रहे हैं, एंड देन we have these many problems. ओके, एंड ममता बनर्जी ने इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि हम ज़्यादा वाटर नहीं देंगे फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम द तीस्ता रिवर टू बांग्लादेश. मोर ओवर जो हमारे उस साइड के रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स हैं, वहाँ पर काफ़ी कुछ नोटोरियस रिवर्स भी हैं, जैसे कोसी है बिहार में, एंड मोर ओवर दामोदर है इन बंगाल. तो दामोदर को तो जैसे सॉरो ऑफ बंगाल बोला जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा फ्लड्स कॉज करता है. तो इस चीज़ का सोल्यूशन देते हुए जो बांग्लादेश के हाइड्रोलॉजिस्ट हैं एंड इनफैक्ट आर्किटेक्ट भी थे गंगा वाटर ट्रीटी के, आइनून साथ, उनका कहना है कि जायंट आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स बनाने चाहिए ताकि दोनों कंट्रीज में हम फ्लडिंग की जो प्रॉब्लम है उसको भी रोक सकें, एंड मोरओवर जो लीन पीरियड्स में जो वाटर का फ्लो है वो कम हो जाता है तो उसके लिए भी दीज विल कम इन हैंडी. लेकिन अब प्रॉब्लम है कि ये इंडिया में बनाए जाने चाहिए दोनों ही कंट्रीज़ के, क्योंकि इंडिया की जो टेरेन है वो थोड़ी वहाँ पर माउंटेन इंड्यूस्ड साइट्स हैं, तो दे विल सर्व बेटर रिजर्वॉयर फैसिलिटी दैन कंपेयर टू बांग्लादेश. तो इसीलिए ये उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया है, कॉमन ग्राउंड भी जैसे हम देख पा रहे हैं इस सिचुएशन में. इसके बाद इलीगल जो माइग्रेशन है एंड रिफ्यूजीज़ हैं, ये एक मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में. जैसे अगर आप रिकॉल करें जो 1971 के वॉर है वो भी इसी वजह से ही इनिशिएट की गई थी कि इतने ज़्यादा रिफ्यूजीज़ बांग्लादेश की जो टेरिटरी है वहाँ से मूव होकर इंडियन टेरिटरीज़ में आ रहे थे. तो अब प्रेजेंटली भी ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इशू ही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में. एंड अगर हम जो बांग्लादेश के जो बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स है उनके डायरेक्टर जनरल की सुने तो उनका कहना है कि दोनों कंट्रीज़ ऑल दो दे वर डिवाइडेड बाय सम आर्टिफिशियल लाइन, लेकिन दोनों कंट्रीज़ दे एंजॉय फैमिली टाइज या जो सोसाइटल टाइज हैं, तो इसलिए ज़्यादातर जो माइग्रेंट्स हैं वो मे बी अपने रिश्तेदारों को मिलने जा रहे हैं एक दूसरे की साइड पे. देन दीज आर वेरियस व्यूज़ या जो पॉइंट ऑफ व्यू है दूसरे उनका. हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो इलीगल जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बेसिकली वहाँ पर पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए दे आर कमिंग टू इंडिया, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया कि यहाँ पर उन्हें बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं. एंड रिफ्यूजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें अगर तो प्रेजेंटली जो रोहिंग्या उसका मसला है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है. एंड इसके साथ आप और भी एक चीज़ ऐड कर लीजिए, कैटल स्मगलिंग. कैटल स्मगलिंग का भी मेजर इशू है फ्रॉम इंडियन टेरिटरी टूवर्ड्स बांग्लादेश. ओके जी, इसके बाद इंसर्जेंसी एंड फेक करेंसी नोट्स की अगर हम बात करें तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में. इंडिया का कहना है कि जो बांग्लादेश है वहाँ से जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं वो स्मगल कर रहे हैं, एंड दे आर बेसिकली पंपिंग इन
जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स, तो दैट इज़ ऑल्सो मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न. इतना बड़ा कि जब हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बांग्लादेश को उन्होंने विजिट किया तो ही ऑल्सो मैंशन दिस थिंग इन इज एड्रेस. तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इशू. एंड अगर हम फेस वैल्यू की बात करें FICN की, तो दे अमाउंटेड टू रुपीज़ 13.66 लाख, एंड दिस इज़ द अमाउंट दैट वॉज सीज बाय द बॉर्डर पुलिस. तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो बचकर पैसे निकल चुके हैं वो कितने अमाउंट के आ रहे होंगे. इसी के साथ साथ जो इंसर्जेंसी है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है. जैसे त्रिपुरा एंड मणिपुर की जो वैलीज हैं वहाँ पर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा नाम की ऐसी कुछ जो एंटी इंडिया इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो वर्क कर रही हैं, तो उनको सपोर्ट मिल रही भी होगी कुछ हद तक, ऑल दो अब प्रेजेंटली काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है. तो उनके लिए वहाँ पर बांग्लादेश की टेरिटरी में इट कैन सर्व एज सेफ हेवन्स. तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न. इसके बाद जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चाइना कार्ड. कि ऑल दो चाइना के पास कोई ऐसे हिस्टोरिकल, कल्चरल या लिंग्विस्टिक लेवरेज नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रहा है कल्चरली भी बांग्लादेश के साथ, तो चाइना ने अपनी इकोनॉमिक टाइज और भी ज़्यादा डीपन कर ली हैं विद बांग्लादेश. तो अब हो क्या रहा है कि जैसे जब 2016 में शी जिनपिंग जब ही विजिटेड टू बांग्लादेश, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डील्स की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी. एंड इनफैक्ट चाइना बिकेम बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. एंड चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है बांग्लादेश को. एंड ऑल्सो मिलिट्री टाइज जो हैं वो भी स्ट्रॉन्गर होती जा रही हैं. जैसे कुछ ही टाइम पहले बांग्लादेश वॉज गिवन सम सबमरीन्स बाय चाइनीज़. तो इससे क्या हो रहा है कि जो इंडिया का लेवरेज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम होता जा रहा है, क्योंकि एक कंटेंडर आ चुका है. सो दैट इज व्हाई इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न. जो चाइना कार्ड है बांग्लादेश, इट कैन एनी डे प्ले द चाइना कार्ड की वी हैव अनदर सुपर पावर, दैट या सुपर पावर वी शुडंट से अ ग्रेट पावर दैट इज बैकिंग अस. सो दिस हैज़ बीन कॉम्प्लीमेंटेड विद स्ट्रॉन्गर मिलिट्री टाइज. जैसे बांग्लादेश अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ चाइनाज आर्म एक्सपोर्ट्स ऑन अ रिव्यू ऑफ लास्ट 5 ईयर्स ट्रांजेक्शन्स. तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बांग्लादेश में चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन डिस्पाइट ऑफ दीज चैलेंजेस, जो हमारे कॉपरेशन या मल्टीपल फ्रंट्स पर जो हमारी कन्वर्जेंस है वो किस तरीके से आ रही है, कि इंडिया ने भी कुछ लाइंस ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की ऑफ नियरली डॉलर्स 3 बिलियन टू बांग्लादेश फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवेज रोड्स, ब्रिजेस एंड इनलैंड वाटरवेज. तो ये सब क्या है, इंटरनली कंट्री को डेवलप करेंगे, ठीक है जी. एंड ऑल्सो पावर एंड एनर्जी के सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा हमारी कन्वर्जेंस है. जैसे इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, एंड मोरोवर जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन है वो भी इंक्रीज हुई है. जैसे रूपपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर कलेक्टिवली इंडिया एंड रशिया दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन बांग्लादेश. सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, कि हमारे टाइज जो हैं वो इस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि अब हम न्यूक्लियर एनर्जी की भी शेयरिंग कर रहे हैं एक दूसरी कंट्री के साथ. दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट. इसके बाद जो रेलवे लिंकेजेस हैं उनको रिस्टोर किया जा रहा है, एंड मोरोवर नई जो रेलवे लिंक्स हैं उनको बनाया भी जा रहा है, इंक्लूडिंग द वाटरवेज एज वेल. क्योंकि वाटरवेज से ही जो अगर हम आज़ादी से पहले का टाइम देखें तो वहाँ पर इस रीजन में रिवर्स काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हैं, तो दैट इज़ वाई वाटरवेज वॉज द प्रेविलेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो इससे क्या होगा कि हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कि ऑल दो ऐसे डिसकनेक्टेड सा फील कर रही है क्योंकि टेरिटोरियल कनेक्टिविटी नहीं है हमारी इतनी उनके साथ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ, तो उनके लिए भी हमारे लिए ये एक बोन की तरह साबित होगा. बांग्लादेश तो इंटरनली डेवलप होगा ही. सो दैट इज़ ऑल. थैंक यू.